दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी, आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है, वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए, पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं।